बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक व्यूवर ने मुझसे ये फरमाइश की थी कि आप सब्ज़ियाँ भी लगाएं और हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने सोचा चलें आज चलें कुछ सब्ज़ियाँ लगाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, और कुछ मैंने जो लगाई हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह मैं जो है ट्रांसप्लांट भी कर लेती हूँ इनको और लगाती हूँ, सीड से भी लगाती हूँ। तो चलें आज मैं टमाटर लगाऊँगी और ये आपके साथ शेयर करूंगी, और जो मैंने कुछ कद्दू हैं उनके सीड लगाए थे और उनके जो प्लांट हैं उनको ट्रांसप्लांट किया था वो सारा जो आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ से काफ़ी हद तक जो है फ्लावर जो हैं वो काटे हैं, और उसमें मैंने जो है कद्दू के कुछ तो सीड गिराए थे, और ये देखें, और कुछ जो हैं वो मैंने नीचे से बेलें ला के ट्रांसफ़र की थी। और मैंने ये था कि शायद पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना आजकल, तो इसलिए पता नहीं ये जो है बेलें चलती हैं कि नहीं चलती। मैंने कुछ सीड भी यहाँ पे गिरा दिए, और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो बेल है वो भी चल पड़ी है, और ये जो हैं कद्दू के जो हैं ये सीड सारे जो हैं उग गए हैं, ये देखें। तो ये मैं कुछ अब यहाँ से कहीं कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट कर दूँगी, कुछ यहीं पर रहने दूँगी। तो चले आए इसी तरह, ये मैंने जो है अब 3 गमले जो हैं खाली किए हैं, तो ये इसी तरह, ये मैं ये गुलाब है इसमें लगा हुआ, लेकिन इसमें भी मैं कोई ना कोई जो है सब्ज़ी लगा दूंगी। तो फिर वो बेलें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती, तो फिर वो जब ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे तो नमी जो है वो काफ़ी हो जाती है, और फिर जो मैं प्लांट है ना वो मरते नहीं हैं। कम प्लांट होंगे तो वहाँ पर नमी नहीं बनी रहेगी तो प्लांट जल्दी मर जाता है, इसलिए मैं कद्दू की बेलें या इसमें कोई कोई ना कोई जो है गुलाब में भी कोई ना कोई इसके प्लांट में बेलें चढ़ा दूँगी, तो ये मेरे जो हैं गुलाब भी बचे रहेंगे। तो चले आए, सबसे पहले तो ये है कि मैं अब बताती हूँ कि ये मेरा पुराना जो गमला है, ये देखिए मैंने इसमें कैसे एग शेल डाले हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने एग शेल भी डाले हैं और गोबर खाद भी डाली है, इसलिए मैं इसकी जो मिट्टी है इसकी थोड़ी सी गुडाई करूँगी और इसमें थोड़ा सा और गोबर खाद मिला दूँगी, सब में थोड़ा सा, इसमें भी इसी तरह करूँगी, थोड़ा सा गोबर खाद मिला दूँगी जो मेरे पुराने पॉट्स हैं, और उसकी मिट्टी मैं नहीं निकालूँगी क्योंकि मैं हर वीकली वीकली इस पर बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले जो हैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए मैं इनको बिल्कुल भी नहीं निकालूँगी। और अब मैं आपको मैं बस 1-1.5 इंच जो है वो उसकी जो गुड़ाई कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा गोबर खाद मिला दूँगी, बाकी मैं हर वीकली वीकली जो है इस पर हल्का हल्का जो है फर्टिलाइज़र तो मैं अप्लाई करती रहती हूँ, तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सारे जो है इस गमले की नीचे तक ना करूँ। तो इसमें अब थोड़ा सा मैं गोबर खाद मिलाती हूँ, तो ये देखिए मैंने डीकम्पोज किया हुआ गोबर है तो मैं इसमें मिला दूँगी अच्छी तरह, तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अब ये मेरी जो है पॉट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्लांट लगाती हूँ इसमें। तो ये देखिए मैं हर पॉट में 3-3 प्लांट लगा दूंगी, और एक प्लांट जो है असल में मैं इसमें 3 प्लांट ही लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा लगाऊंगी। अगर ये मेरे तीनों प्लांट चल गए तो फिर मैं यहाँ से ये जो एक एक्स्ट्रा प्लांट है वो निकाल लूँगी। तो बस इस तरह ये देखिए अब मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर पानी दे देती हूँ और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर छाया कर दूँगी, इसको अच्छी तरह पानी दे दिया। अब ये कि इसके ऊपर मैं हल्की हल्की छाया कर दूंगी, और दूसरी बात ये है कि मैं इसको दिन में 1-2 दफ़ा देखूंगी आके, और इन पर मैं शावर बोतल से शावर कर दूंगी। और तो ये देखिए मैं थोड़ी सी इसके स्टिक्स लगा दूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तो जल्दी ही ये जो हैं मेरे प्लांट जो हैं वो डैमेज होने को आएँगे, तो कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं अपने जो हैं सारे जो ट्रांसप्लांट करती हूँ प्लांट
वो शाम के टाइम करती हूँ, लेकिन वो शाम के टाइम जो है वीडियो का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। आप भी कोशिश करें कि शाम के टाइम ही करें। तो मैंने सिर्फ ना एक वीडियो बनाने के लिए, आपको सारा तरीका बताने के लिए ये सुबह के टाइम किया है। तो बेस्ट तो यही होता है कि आप शाम के टाइम करें। मैंने बहुत सारी पनीर जो है वो शाम के टाइम ही ट्रांसप्लांट की है, तो ये बहुत अच्छा जो है वो चल जाती है। लेकिन चले मैं इसको कवर करूँगी इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अब इसको शावर करती रहूँगी और किसी ट्रांसप्लांट कर लिया है तो अब मैं इस पर जो है छाया करूँगी। तो छाया क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप है, तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे जो है छतरी लगा दी है, तो उसकी जो छाया है वो इस पर पड़ेगी। और थोड़ा सा मैं ध्यान रखूँगी कि यहाँ पे मैंने जितने भी प्लांट्स इन सारे जो हैं पॉट्स में मैंने छोटे छोटे जो टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं, तो अब मैंने इसलिए इन पर छाया कर दी है। तो मैं अब ध्यान रखूँगी साथ साथ थोड़ी देर बाद ना आकर, आज के दिन एक दिन अगर ध्यान रख लिया जाए तो ये जो है हमारे ट्रांसप्लांट किए हुए प्लांट हैं वो रिकवर कर जाते हैं सिर्फ़ एक दिन। तो बेस्ट तो यही है कि आप शाम के टाइम इसको ट्रांसप्लांट करें, लेकिन अगर किसी वजह से आप सुबह के टाइम कर रहे हैं तो इसको एक दिन के लिए किसी तरह छाया दे दें, या तो गमले को उठा के किसी छाया वाली जगह पे रख दें, तो या इस तरह आपके पास कोई भी है किसी चीज़ के साथ इसको छाया कर दें इसके ऊपर। और चले मैं अब आपको नेक्स्ट थोड़े से अपने गार्डन के यहाँ के फ्लावर दिखाती हूँ। तो चले मैं थोड़े से आपको अपने जो हैं वो गार्डन के हल्के फुलके से फ्लावर जल्दी जल्दी कि ये देखें, मैंने अपने गार्डन की यहाँ पे सारे जो हैं पुराने फ्लावर काट दिए हैं और नए फ्लावर जो हैं वो लगाए हैं और कुछ नए चेंजिंग की है। मैंने सोचा चलें वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे कैसे चेंज किया है अपने गार्डन को थोड़ा सा। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे जो हैं वो मेरे जो हैं फ्लावर खिल गए हैं। तो चलिए अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।